कोई अगर हमारे साथ गलत करे, बहुत ज़्यादा गलत करे, क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? अभी तो आप 2 मिनट पहले इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे थे, फूल भेजेंगे, फ्लावर्स भेजेंगे, बुके भेजेंगे, ब्लेसिंग नहीं भेजेंगे। ब्लेसिंग मीन्स क्या? कोई मेरे लिए गलत कर रहा है, मैं अंदर से उससे नफरत नहीं करूँगी, मैं अंदर से उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और अब मुझे इस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है? ठीक कर, क्लोज नहीं होता, क्लोज नहीं होता। क्लोज करना मतलब मैं आपके लिए एक भी थॉट नहीं क्रिएट करूंगी, आप मेरे लिए एक भी थॉट नहीं क्रिएट करेंगे, ये तो होने नहीं वाला है। चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है कि आज से हम जो आपके लिए सोचेंगे वो सिर्फ ब्लेसिंग्स और गुड विशेस है। एंड वो करते ही हम अपने कार्मिक अकाउंट की क्वालिटी को क्या कर देंगे? चेंज। दोनों में से सिर्फ एक को करना है। ये भी बचपन से सुना है, जो करेगा सो पाएगा। एक को करना है, वन इज नीडेड टू चेंज द कार्मिक अकाउंट। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव भेजा, फिर आपने भी नेगेटिव भेजा, फिर मैंने भी भेजा, फिर आपने भी भेजा, तो इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। एंड ये भेजते भेजते अगर दोनों में से किसी एक ने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया और फिर हम मिलेंगे, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अब तो हमें याद ही नहीं है कि आप कौन हो, मैं कौन हो, ऐसे भेजते जाते हैं हम एक दूसरे को। कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इनसे मिलकर हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, होता है ऐसा कि नहीं? और कुछ लोगों से पता ही नहीं चलता कि अच्छा क्यों लग रहा है इतना। कुछ लोग हमारी एक्चुअल फैमिली है, ब्रदर सिस्टर, लेकिन इतनी बॉन्डिंग नहीं है। कुछ लोग कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम कहेंगे दे आर मोर देन फैमिली। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हम दोनों बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी एक्सचेंज करके आए हैं। So relationship is not on the label, relationship is based on the quality of energy we exchange with each other. So blessings bhejne ke liye ready? Abhi bhi nahi? Abhi Diwali aayegi agle mahine. Aap baith kar sabke liye ek list banayenge ki har ek ko kya dena hai. क्राइटेरिया नॉर्मली किसी को गिफ्ट देने का क्या होता है? उसने क्या दिया था पिछले साल? नेचुरली अब कोई 1000 का देगा तो हम भी उसको 1000-1200 के देंगे, तो 10,000 का थोड़ी दे पाएंगे। हम कहेंगे जितना जितना लेन देन है उतना ही करना है ना। पर तो हम वो लिस्ट रखते हैं। कुछ लोगों के पास बाकायदा नोटबुक में लिस्ट होती है पूरी, पिछली बार लोगों ने क्या दिया था, क्योंकि अगले साल रेफर करना पड़ेगा उसको बाय करने के लिए। Now, this is one way of living. अगर आज हमें ये पता चले कि आज जो हम उनको गिफ्ट देंगे दिवाली के पहले दिन, चौथे दिन तक वही गिफ्ट हमारे पास आने वाला है, और कई बार आता भी है घूम घूम के 4-5 लोगों से मिल मिल के ऐसे वापस। अगर हमें ये पता हो कि मैंने आपको आज जो दिया वो चौथे दिन मेरे पास वापस आने वाला है, what will I buy for you? I will buy for you what I want. Because I am 100% certain, fourth day this is coming back to me. I will not say, उन्होंने 1000 रुपये का भेजा। मैं बोलूँगी मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है उन्होंने कितने का भेजा। मेरे को अगर 50,000 की चीज़ भी पसंद आ जाएगी मैं खरीद लूँगी, क्योंकि वापस तो मेरे घर आने वाली है। लॉ ऑफ कर्म है ये, जो एनर्जी हम किसी को देंगे वो हमारे पास ही आने वाला है। जो अपने जीवन में चाहिए वो देते जाएँ। खुशी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, प्यार चाहिए, देते जाओ। देने समय भी मिल रहा है, वापस आते समय भी मिल रहा है। लेकिन अगर ये कहेंगे उन्होंने तो 500 रुपये की दी थी सिर्फ, और मैंने भी उतने की देनी है, फिर उन्होंने और कम करनी है, फिर मैंने और कम करनी है, डेस्टिनी हमारी चॉइस है। ब्लेसिंग्स दें उनको जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं।
अरे अभी भी हाँ नहीं बोल रहे हैं। गिफ्ट चौथे दिन वापस आना है, उसके बाद भी हाँ नहीं बोलेंगे। व्हाट इज अ ब्लेसिंग? अ ब्लेसिंग इज ओनली अ थॉट। किसी ने क्वेश्चन में लिख कर भेजा कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो हमें उसके साथ लीगल केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि उसको ऐसे ही छोड़ दें? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? हाँ जी, जो सही है वो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक है लीगल केस करना और एक है अंदर से नफरत करना। दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। कईयों के साथ हम बाहर कोई एक्शन नहीं लेते और अंदर नफरत ही करते रहते हैं। कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। जो लीगली राइट है हम वो करेंगे, लेकिन अंदर से दुआएं देंगे कि अब इस आत्मा के साथ मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, पहले ही बहुत गड़बड़ हो गई है, इसके बाद कोई गड़बड़ नहीं चाहिए अभी इनके साथ। जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, उलझन है, उनके साथ जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करना चाहिए, ताकि उनके साथ फिर कोई ऐसी भारी एनर्जी एक्सचेंज हमारे कार्मिक पैटर्न में नहीं आए। दुआएं भेजें, दुआएं भेजें रोज, एवरी डे इन मेडिटेशन उनको सामने लेकर आएं और हर रोज एक मैसेज दें। वो हमारा पास्ट था, वो हमारे पास्ट का कॉन्सिक्वेंस था। इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स ओवर। फ्रॉम टुडे वी बिगिन अ न्यू अकाउंट। आज से आपके और मेरे बीच सिर्फ प्यार और सम्मान और दुआएं हैं। ये रोज उनको सिर्फ मन से मैसेज भेजें। ये मैसेज भेजते ही पहले अपनी एनर्जी ठीक हो जाएगी, कि हमारी तरफ से जो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ जा रही थी वो ठीक हो जाएगी, और वहाँ पे मैसेज जाएगा तो उनके ऊपर उसका असर होने ही वाला है। वहाँ से भी एनर्जी वापस आएगी, वहाँ से नहीं भी आई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है, उनका कर्म हमारा भाग्य नहीं लिखता है। वन थिंग वी हैव टू बी वेरी क्लियर, माई कर्मा राइट्स माई डेस्टिनी। इफ आई हेट यू, द हार्म विल नॉट बी कॉज्ड टू यू, द हार्म विल बी कॉज्ड टू मी, बिकॉज माई हेटरेड राइट्स माई डेस्टिनी। हमें लगता है हम किसी के लिए गलत सोचेंगे और उनका गलत हो जाएगा, या दूसरा डर आजकल, कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है इसलिए मेरे साथ गलत होता जा रहा है, नजर लग गई किसी की। नजर लगना मतलब क्या? नजर लगना मतलब क्या? मतलब किसी ने सोचा मेरा हॉस्पिटल बंद हो जाए इसलिए मेरा गड़बड़ होने लग गया। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बहन, मैं यहाँ से बैठकर अभी एक थॉट क्रिएट करती हूँ, आप सीधा बैठो आराम से अभी। हाँ, मैं अभी एक ये थॉट क्रिएट करूँगी, गिर जाए अभी ये सोफे से। क्यों, मैं कर सकती हूँ? मेरे को अगर जेलेसी हो उनसे, उनकी वजह से मेरे क्लिनिक में कोई आ ही नहीं रहा है, सब उधर ही जा रहे हैं, सोफे से गिर जाए। सिर्फ गिरने का सोचा, गिरेगी 6 महीने बेड पर लेटेगी, सारे मेरे पास आ जाएंगे उतनी देर में। क्या मेरे सोचने से वो गिर सकती है कभी? कैन शी फॉल? लेट मी थिंक 24/7, गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ, विल शी फॉल? नो। अगर हम सारे मिलकर भी ये थॉट क्रिएट करें वो गिर जाए, विल शी फॉल? विल शी फॉल? नो। लेकिन जिस दिन वो थॉट क्रिएट करती है, ये मेरे लिए सोच रही है कि मैं गिर जाऊं, कहीं मैं गिर गई तो, उस दिन ये गिरेगी। लेकिन उस दिन जब ये गिरेंगे, ये नहीं कहेगी मैंने थॉट क्रिएट किया, कि उसने सोचा ना इसलिए मैं गिर गई। वी ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स एंड वी रिमूव आर फैक्टर फ्रॉम बिटवीन। सब लोग हमारे लिए गलत सोच ले, उनकी सोच हमारा भाग्य नहीं लिखती है, उनकी सोच की एनर्जी सिर्फ हमारी सोच तक पहुंच सकती है। अगर हमारी सोच नेगेटिव हो गई डर से, इनसिक्योरिटी से, फिर हमारी सोच हमारा भाग्य लिखती है। उनकी सोच भाग्य नहीं लिखती, लेकिन उनकी एनर्जी हमारी थॉट प्रोसेस पे इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेकिन
अगर हम रोज अपने आप को चार्ज करते हैं बैटरी को, हम रोज परमात्मा से कनेक्शन रखते हैं, तो कोई हमारे लिए कितना भी नेगेटिव सोचे, हमारी थॉट्स कैसी होंगी, हमारी थॉट्स कैसी होंगी, प्योर, हमारी भाग्य सिक्योर। आजकल हमारे अंदर इतना फियर हो गया है कि हम अपने जीवन में होने वाली अच्छी बातें भी किसी को नहीं बताते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस हैपेंड विद मी लास्ट वीक। आई वेंट टू हॉस्पिटल, देयर वर टू डॉक्टर्स एंड वन वेरी स्वीटली सेड टू बी, वेल सिस्टर आपको पता है इन्होंने लास्ट मंथ में इनका रिजल्ट आया, इन्होंने 102 सर्जरीज की। आई सेड डॉक्टर साहब मुबारक। कहते क्या मुबारक, इसने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, चार दिन मेरे पास एक भी सर्जरी नहीं आई। लुक एट द एलिमेंट ऑफ फियर एंड लुक एट द वे ऑफ कनेक्टिंग द टू थिंग्स। इतने डर में हम रहते हैं, इतने वहम में हम रहते हैं। जब हम इतने वहम में रहेंगे तो हम औरों के प्रति कैसा सोच रहे हैं कि किसी ने मुबारक भी दी तो हमें लगता है नहीं, इसको अंदर से मेरे से कोई प्रॉब्लम है, अब इसकी वजह से चार दिन मेरे पास आया नहीं कुछ काम। ये हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखता है, ये हमारी एक एक सोच की चेकिंग है कि मेरी सोच की क्वालिटी कितनी नीचे होती। If we are doing very well, even if other people have a problem with it, nothing can influence you. Nothing can influence you. It only starts influencing when we start having a problem that they have a problem. अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है, उसके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? Jealous है कोई, उसके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? फिर वो ईर्ष्या में कभी कभी आपके खिलाफ कुछ बोल भी देगा, हो सकता है, तो उसके प्रति कैसी फीलिंग होनी चाहिए? जो ईर्ष्या करता है, जो इनसिक्योर है अंदर, वो 24/7 दर्द में है। इमोशनल बीमारियों की सफरिंग फिजिकल बीमारियों से कई गुना ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसके लिए कोई दवा भी नहीं है कि खा के बंद हो जाए दर्द। कुछ अलग अलग चीज़ें ले लेते हैं हम शाम को, वो अलग बात है, लेकिन उससे दर्द ठीक नहीं होता, उससे आत्मा सिर्फ कमज़ोर होती है। डिपेंडेंसी जितनी बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्ट जितना करेंगे पेन को बाय यूजिंग अदर मेथड्स, उतना वूंड सिर्फ और ही गहरा होता जाएगा। तो नेवर क्रिएट फियर दैट समबडी एल्स डजंट थिंक नाइसली अबाउट मी, एंड हैव लॉट ऑफ कंपैशन फॉर दोज हु आर जेलस और इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी सीम्स टू बी अ वेरी फास्टली स्प्रेडिंग इलनेस। इवन समबडी हु इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आर राइट देयर, they are insecure of somebody very young who has joined the organization. There are people who are in the selection team, they will not select somebody who is very good, kyunki kahin kal ye mere liye ek threat na ban jaye. Ye hamari soch hoti ja rahi hai, itni sukshma checking karni hai apni soch ki. Dusron ko aage badhao, jo aata hai dusre ko sikha do, जो आता है दूसरे को सिखा दो, सब कुछ उसको सिखा दो, उसको अपने से भी अच्छा बना दो, क्या मिलेगा रिटर्न में? क्या मिलेगा रिटर्न में? एक है मैं, मेरे को जो आता है। किसी को सिर्फ इतना पूछो, बहन बहुत टेस्टी सब्जी बनाई थी, कैसे बनाई? कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे डाला, हो गए खत्म। बताएंगे नहीं रेसिपी अपनी, रेसिपी भी नहीं बताएंगे अपनी, क्योंकि मेरे को सारी अप्रिसिएशन तो उस रेसिपी के लिए मिल रही है, और मैंने आपको बता दिया और आपने कुछ एक चीज़ और ऐड करके मेरे से अच्छी बना दी, तो फिर मेरा क्या होगा सारा दिस? हाँ जी, कोई अपना नहीं बनाता। जितना अगर अपना नहीं बताएंगे, लॉ है, चेक करके देखते हैं, मुझे इतना आता है, मैं किसी को नहीं बता रही, तो मेरा इतना ही रहेगा ये। और किसी को नहीं बताने के कारण से लोग जो मेरे लिए सोचेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करूँगी, उनके साथ शेयर नहीं करूँगी, उनको टीच नहीं करूँगी, तो वो तो मेरी आत्मा की पावर थोड़ी सी और ही घटती जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन, जितना आता है वो सबको बताओ, सबको बताओ, सबको शेयर करो, सबको इतना सिखाओ
कि लोग कहेंगे मैम ये तो अब आपसे भी ज़्यादा अच्छी सर्जरी करती है, तो फिर इसको क्या हो जाएगा, जो इतना था वो क्या हो जाएगा। कैपेसिटी को बढ़ाने का सिंपल तरीका दुआएं कमाओ, दुआएं कमाओ, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दुआएं नहीं कमाएंगे कैपेसिटी उतनी रह जाएगी, और अगर आत्मा कमज़ोर हो गई तो कैपेसिटी भी धीरे धीरे घट जाएगी।